भाजपा के संगठन के बहुत बड़े अहदेदार का नाम आ रहा है, क्या उन पर सरकार जो है हाथ डालेगी? हाँ जी चौहान साहब, जिस तरह से कमीशन को भंग किया गया है और जिस तरह से भंग किया गया है, जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है और कहा है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं तकरीबन 4,000 के आसपास वो लटकी पड़ी हैं। सरकार को जांच तो करवानी चाहिए लेकिन साथ साथ में जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ानी चाहिए थी, इस तरह का उनका कहना। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि नाम उजागर करके कौन लोग इसमें संलिप्त पाए गए थे जो पेपर लीक कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मामला था हिमाचल प्रदेश का, लगातार पेपर बिकने को लेके और पेपर लीक को लेके हिमाचल प्रदेश की जो बदनामी हो रही थी पिछली सरकार में, ये एक ऐसा मामला आया। पुलिस भर्ती का जो मामला हुआ था वो बड़े लेवल पे पूरे देश में, उसमें लोगों ने देखा किस प्रकार वो पेपर बिका 3 लाख से 7 लाख तक, और पुलिस डिपार्टमेंट ही उसकी पेपर खुद कंडक्ट करवा रहा था और भर्ती भी पुलिस डिपार्टमेंट में की थी, और उससे लेके कितना बड़ा वो मामला उठा, विपक्ष ने भी उठाया। उसके बाद सरकार बदली हिमाचल प्रदेश में, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी ये पहला मामला आया कि पेपर लीक होने से पहले जो अलर्ट पे थे हमारे खुफिया तंत्र विजिलेंस विभाग, उन्होंने इसको पहले ही अलर्ट होने की वजह से लीक पेपर बिकने से पहले इसको पकड़ लिया गया था। और उसके बाद SIT बनाई गई, कितने ऑफिसर्स उसमें थे आप लोगों के सामने था कि, और सारी जांच आगे बढ़ी। वो उस दिन का JOIT का पेपर ही नहीं लीक था, और बहुत सारे ऐसे तार आगे मिले कि उससे पहले वाले जो है उसमें भी पेपर बिके हैं और लीक हुए हैं, और कुछ इसके एम्प्लॉयज थे जो उस कमीशन में वो उसमें मिले हुए थे और उसमें अरेस्ट भी हुए, और लोग भी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और लोगों के जो उससे पहले के एग्जाम्स हुए थे उसमें भी इस प्रकार के लीक्स पाए गए। वो सारा जो पार्ट था वो इन्वेस्टिगेशन का था। जब सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कल उनसे पूरी रिपोर्ट ली, उस पर उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई और SIT ने भी अपनी रिपोर्ट शेयर की कि इसमें सारी बातें क्या निकल के आ रही। तो मामले कुछ गंभीर थे, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं इसको अभी प्रेस के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर था कि जिसको हमने चयन आयोग को भंग किया था कल उसको भंग करना पड़ा। पहले सस्पेंड किया था लेकिन जब उसमें अनियमितताएं लगातार पाई गई कि पिछले कई सालों से हो रही थी और उसी के जो एम्प्लॉयज थे जो लोग थे उसमें वो उसमें संलिप्त पाए गए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर मामला था। जब लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार भर्तियों को लेके बेरोजगार युवा साथी एग्जाम दे रहे हैं बड़ी उम्मीद के साथ तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका पर्चा बिक जाए और वो दूसरे लोग उसमें निकल रहे थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय लगातार हो रहा था, जो पिछली सरकार की जिम्मेवारी थी जयराम सरकार की, वो इसको पूरी तरह से नहीं निभा पाई, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, लगातार ये स्तर और बढ़ता गया और माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया काम करता गया। वो पुलिस लीक तक नहीं, इस चयन बोर्ड में लगातार 3-4 साल से काम कर रहा था। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ इस बात की कि मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया, बड़ा फैसला लिया और जहां पर लगातार माफिया काम कर रहा था, पेपर लीक माफिया, लोग पेपर खरीद रहे थे बेच रहे थे, क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि हम वहां पर बड़ा फैसला लें लोकहित में, लोगों के हित में? सरकार ने एक बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री ने बड़ा करेज दिखाया इस फैसला लेके, इसको विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए। जयराम जी को आज ये बोलना चाहिए था कि मैं इस बात के लिए सरकार के और मुख्यमंत्री जी की तारीफ करता हूं कि ये होना चाहिए था। अगर रिजेक्ट हुआ है, वहां पर धांधलियां थी और इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ निकला है हम उसका स्वागत करते हैं और वो एक फैसले का स्वागत करना चाहिए था। बड़ी दुख की बात है कि आज विपक्ष के नेता इस बात के लिए कोस रहे कि एक सही कदम उठाया जो बहुत पहले होना चाहिए था, ये सारे काम बहुत पहले होने चाहिए थे, वो नहीं कर सके, वो फैसले साहस नहीं था उनमें, इंक्वायरीज नहीं करा सके, इंक्वायरी उसको दबाते रहे जयराम जी। लेकिन आज जो सरकार थी पारदर्शिता लेके, जो हमने प्रदेश के लोगों से वादे किए थे उसको पूरा कर रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। मुझे दुख इस बात का है कि विपक्ष के नेता जिम्मेवार व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में ये सारी बातें हुई, उनको इस बात के लिए आगे आके स्वागत करना चाहिए था कि ये सही कदम है क्योंकि इसकी जरूरत थी। और इसके अलावा वो आज कहते हैं कि हम इसको लेके निंदा करते हैं, किस बात के लिए? आपके टाइम के सारे खुलासे हम कर रहे हैं, सारी जितनी भर्तियां आपके टाइम में हुई उसमें ये पेपर लीक होते रहे,
और आप उसकी जिम्मेवारी लेने के बजाय आज आप सरकार ने अच्छा कदम उठाया। खुद मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो आज है वो हमीरपुर से, उन्होंने आज एक हिम्मत दिखाई कि वहां गलत हो रहा है, चाहे वो हमीरपुर हो चाहे कोई हो, लोक हित में, लोगों के हित में, प्रदेश के लिए और जो बेरोजगार युवा साथियों की फौज है उनके साथ न्याय हो, हमारी ये कमिटमेंट थी, उन्होंने उस बात को पूरा किया। सर एक नेता ने एक और जो है जुबानी हमला बोला, उन्होंने कहा कि पहली बार जो है इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो मंडी की शिवरात्रि है उसका राजनीतिकरण किया गया है, स्टेज से जो है वो राजनीतिक बातें कही गई, इसके अलावा झंडे लगाए गए हैं पार्टी के जो है वो जहां पर कार्यक्रम होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सारा इश्यूज को डाइवर्ट करने का होता है। जब प्रदेश के अंदर दो बड़े फैसले हुए, मैं आपको साफ तौर पर बताऊं, जैसे ही सरकार बनी 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली, 15 तारीख को एक बहुत बड़ा संकट आ गया आप सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने। अदानी ग्रुप के दो कारखाने, सीमेंट कारखाने में एकदम से बंद कर दिए, बिना नोटिस दिए कामकाज बंद करा दिया, कारखाने बंद। और उन कारखाने बंद होने से क्या हुआ, हजारों ट्रक ऑपरेटर्स जिनके ट्रक्स थे, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से, वो सारे जो है बंद हो गए। उनके ऊपर कितने लोग आश्रित थे और जिनका धंधा करने वाले लोग थे, सबके धंधे बंद हो गए। एक बहुत बड़ा संकट सरकार के सामने भी था। मामला भले ही दो पार्टियों के बीच था, सीमेंट फैक्ट्रीज के ऑनर्स के बीच और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच का यह विवाद था, लेकिन सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पहले दिन से इस मामले को ऊपर नजर रखी और पूरी सरकारी तंत्र को इसमें लगाया कि इसकी मध्यस्थता की जाए और इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास किए, लेकिन 65 दिन लगे अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी के इंटरवेंशन से और उनकी इच्छा से ये मामला सुलझ गया। और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियंस के लोग इतने दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहे, कोई हिंसा नहीं हुई। और अदानी ग्रुप के लोग अड़े हुए थे, उनसे बात हुई, उनके मालिक से, उनके सीईओ से, बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को, अपने मिनिस्टर्स को, सीपीएस को, सबको इस काम में लगाए रखा। तो एक बहुत बड़ा फैसला हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से दोनों जो पक्ष थे एक टेबल पे बैठ के अल्टीमेटली जो मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया, जो भी रेट तय की, सिंगल एक्सल के लिए 10 रुपए 30 पैसे और मल्टी एक्सल्स के लिए 10 रुपए 30 पैसे का जो रेट तय किया, सभी काम धन्यवाद करते हैं दोनों पक्षों का भी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात को माना और स्वीकार किया। आज आप देखें कि वहां पर प्रोडक्शन शुरू होगी, कारखाने द्वारा से चल पड़े, ट्रक वालों का काम द्वारा से शुरू हो गया। ये खुशी की बात है सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए, जहां सरकार का रेवेन्यू भी लॉस हो रहा था, लेकिन सरकार की और मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि हजारों लोग हमारे जो थे ट्रक ऑपरेटर्स, मुख्यमंत्री जी सरकार उनके साथ खड़ी थी और उनके इंटरवेंशन से आज एक बहुत बड़ा मसला सुलझा। लेकिन विपक्ष ने उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की, वो बार बार स्टेटमेंट्स आते रहे कि सरकार इस मसले को नहीं सुलझा पा रही। आप कैसा विपक्ष है, सकारात्मक होना चाहिए विपक्ष, लोगों के हित में होना चाहिए। अगर ये एक डेड लॉक था तो ये सरकार का ही काम नहीं था, ये सबकी जिम्मेवारी थी, लेकिन विपक्ष इसमें जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसी प्रकार ये दूसरा मसला था जो पिछली सरकार का था, उसको सुलझाया गया अच्छे से, इसमें फैसला हुआ। आज पूरे प्रदेश में हजारों लोगों ने फोन करके मुख्यमंत्री जी को हमको बधाई दी कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, इसको एक जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था कमीशन, उसको आपने खत्म किया, क्यों नहीं होना चाहिए जब वो अड्डा बन चुका था। आपने सारा काम आज पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया, वो करेंगे अगले बच्चों के जो कंसर्न है, जिनके एग्जाम आगे होने हैं या जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन इस पर जल्दी फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है वो तो इस मसले को नहीं सुलझा पाई, जैसे ही अनुराग ठाकुर हिमाचल आए 4 दिन के अंदर उन्होंने मसले को सुलझा दिया। सोशल मीडिया पर काफी जो है वो भाजपा के लोगों द्वारा ये जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है कि अनुराग ठाकुर इसके जो है करता धरता है, उन्होंने मामले को सुलझाया, इस पर क्या टिप्पणी आपकी? देखिए मैं भी जानना चाहता हूँ और आप सब भी जानना चाहते, प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी कि अनुराग ठाकुर जी ने कब किस अदानी ग्रुप से मीटिंग की, कब ट्रक ऑपरेटर्स से मीटिंग की, कहाँ हुई वो मीटिंग और कब उनने इसमें इंटरवेंट किया, कब इस मसले को सुलझाया। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमको भी बताया भाजपा के लोग कि कब ये डेवलपमेंट हुई थी। ये सारी बात सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए भाजपा के लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मसला सुलझाए और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से 65 दिनों के बाद एक बड़ी अच्छी बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की जो सारा श्रेय जो है वो सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है और उनके साथ जो टीम लगी थी उनको जाता है। लेकिन भाजपा इसको श्रेय लेना चाह रही है तो हम भी जानना चाहेंगे कि वो उसकी डिटेल्स बताएं
कि कब कब जो है अनुराग ठाकुर जी ने मीटिंग्स ली, कितने दौर की मीटिंग्स हुई और कब उनकी मीटिंग्स ट्रक ऑपरेटर्स वालों से हुई, कहां उन्होंने मध्यस्थता की। जो हमने किया, जो मुख्यमंत्री जी ने किया, वो सरे खुलेआम मीडिया के सामने मीटिंग हुई, आप लोग उसके साक्षात गवाह हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश किया उसके बाद ट्रक ऑपरेटर्स के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने सब ने उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि थ्रू आउट 65 दिनों में जब हम मुश्किलात में थे मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारे पीछे नजर आई। जब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शिवरात्रि ऐतिहासिक पर्व है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने वहाँ इसका इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिकरण किया, वहाँ से राजनीतिक बातें की गई और पूर्व सरकार के खिलाफ वहाँ से बयान बयानी की गई, हाउ यू टेक दिस स्टेटमेंट? देखिए ये सारी राजनीतिक बातें हैं। जहाँ तक सवाल है, जो बड़े मुद्दे थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, जो देव इसके लिए जो एक घोषणा होती है 1 करोड़ रुपए की, ये देखना चाहिए जयराम जी को, ये देखने वाली बातें हैं कि लोगों में क्या चीज वहाँ मैटर की है। आप ढूंढते हो कि कहीं कुछ राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। भाजपा निश्चित तौर पे 65 दिनों की जो सरकार है उससे जो है विपक्ष बिल्कुल खौफ में है, ये होना भी चाहिए। जो फैसले हुए हैं बहुत बड़े बड़े फैसले हुए जो ये कर नहीं सके, ये सरकार इसीलिए कमजोर थी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व में जयराम ठाकुर रहे वो फैसले नहीं ले सके, वो अधिकारियों से दबे रहे। अब देखिए आप 65 दिनों में जो मुख्यमंत्री और जो सरकार है वो फैसले लेने वाली सरकार है, वो फैसले ले रही है, लोकहित में फैसले हो रहे हैं और यही कारण बौखलाहट का विपक्ष का है। मंडी शिवरात्रि से ही रिलेटेड एक सवाल है, भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें ये जो है वो आरोप लगे हैं कांग्रेस पर कि जैसी कांग्रेस सरकार आई है, जो मंडी का शिवरात्रि है जिसे कह सकते हैं आप 20 लाख का बड़ा कार्यक्रम होता है, वहां पर कवाली में अल्लाह अकबर जैसा जो है वो कवाली गाई गई और इससे जो है वो समाज का एक तबका जो है आहत हुआ है। और जो देव अभी इस पर टिप्पणी आई है जयराम जी की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो कलाकार की इज्जत करते हैं लेकिन इस प्रकार से जो है वो किसी एक वर्ग, जो एक वर्ग है, समाज का एक वर्ग है, इस तरीके से तर्क संगत नहीं है, इस पर क्या? ये सारा मामला सोच से शुरू होता है कि आप किस चीज को कहां से सोचते हो। हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा सीधी सोच है, कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई आज तक हमारा एक ही बात है, हम सेकुलरिज्म पे विश्वास करते हैं। हमारी सोच ही शुरू नहीं होती इस बात से, हमारे लिए अल्लाह अकबर ईश्वर हम सबको एक समान मानते हैं। हमारी सोच साफ है कि देश को एकता अखंडता में बांधना है, मजबूत करना है, उसके लिए सभी को साथ लेके चलना हमारी फिलॉसफी है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये जिनकी सोच है इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमारे लिए इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति, सब एक धर्म, एक जाति, किसी वर्ग के हो, सब इम्पोर्टेंट है और सबका देश है। सब जब मजबूत होंगे तभी हमारा देश एक मजबूत देश बन जाएगा। इसके अलावा आयोग के विषय में एक जो भंग किया है उसमें ये कहा है कि राजनीतिक मंशा से उसको भंग किया गया है, अगर पेपर लीक में जो संलिप्तता थी तो सचिव की हो सकती है, तो सदस्य और चेयरमैन था उनको राजनीतिक मंशा से भंग किया गया। मैं निश्चित तौर पर उस आदमी का नाम जानना चाहूंगा जिसने ये बात की। वो कैसा व्यक्ति होगा जिसको ये पता नहीं कि भंग क्यों किया गया? भंग इसलिए किया गया कि वो अड्डा था भ्रष्टाचार का, वहां लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, पेपर बिक रहे थे और हमने SIT बिठाई, आज इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो कुछ निकला उस आदमी को नजर नहीं आ रहा, इसके पीछे राजनीतिक कारण नजर आ रहा है। राजनीतिक कारण यह हो सकता था कि मुख्यमंत्री जी आज अमीरपुर से और वो आयोग अमीरपुर में काम करता, उन्होंने राजनीति नहीं देखी, उसमें मेरिट पे ये फैसला लिया और करेज दिखाया। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की इतना बड़ा फैसला लिया, इस बात की स्वागत करनी चाहिए थी विपक्ष को। ये विपक्ष की कैसी सोच है ये वही जाने। थैंक यू, धन्यवाद।